उस साइड तो पूरा खुला नीचे दिख रहा था, बट यहाँ पे दूसरे जो छोटे छोटे पहाड़ है वो दिख रहे हैं। और अभी थोड़ा सा ओस बढ़ गई है, तो इस वजह से देखो सामने पूरा ये सह्याद्री रेंज है, पूरा ये सामने पूरा पहाड़ दिख रहा है। और वहाँ पर रास्ता है देखो, मैं वहाँ से आया था वो रास्ते से, ऐसे पहाड़ पहाड़ है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम फिर से मिल रहे हैं हमारे एक और न्यू ब्लॉग के लिए और एक न्यू प्लेस पे। और आज जो प्लेस मिली है वो कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग है, मैंने सोचा नहीं था ऐसी होगी। बट मैं यहाँ पर ढूंढ ही रहा था थोड़े दिन पहले कि ऐसी कोई जगह पर जाऊँ, थोड़ी अलग हो, थोड़ा दूर कहीं जाने मिले, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे घर के आसपास और थोड़ा 100 किलोमीटर के आसपास तो मैंने ज़्यादातर जगह घूम ली है और वो आपको भी बता दिए। तो ये जगह है, ये जगह का नाम है अजमलगढ़ और ये एक व्यू पॉइंट है। तो ये सबसे हाईएस्ट है यहाँ पर, पीक यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। तो आज ये जगह मैंने पहले तो सोचा था कि यहाँ पर आऊँ कि नहीं आऊँ, बट मैंने एक दो लोगों से ऐसे ही नॉर्मली बात की तो मुझे बताया कि आप अजमलगढ़ जाओ, पता चला। तो मैंने फिर सोचा कि ये तो मैं सोच ही रहा था यहाँ आने के लिए, तो आज यहाँ जाकर ही आते हैं। तो मैं निकला था 7-7:30 बजे के आसपास घर से और ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी, तो थोड़ा घूमते हैं आसपास, कुछ एक्सप्लोर करते हैं। और मैं यहाँ से जो व्यू दिखता है वो भी आपको बताता हूँ, वो अभी तक मैंने भी नहीं देखा है, बट मैं आपको लेके चलता हूँ। और यहाँ पर दो मंदिर भी है, एक ये रहा यहाँ मेरे पीछे है, पहले वहाँ चलते हैं। और काफ़ी पीसफुल जगह है और कोई है नहीं, मुझे लगा संडे होगा तो संडे के दिन ऑलमोस्ट ऐसे ही सब जगहों पर भीड़ रहती है, बट शायद शाम को रहती होगी और मैं तो सुबह आया हूँ। ये यहाँ पे एक मंदिर है, ये देखो ये राम भगवान का मंदिर है यहाँ पर। ये राम भगवान का मंदिर है यहाँ पर और यहाँ से हम सीधा जाएंगे तो वहाँ से वहाँ पर महादेव का मंदिर है, क्योंकि मैंने मैप्स में देखा था तो मैप्स में दो मंदिर थे यहाँ पर, है यहाँ पर एक महादेव का मंदिर है और एक राम जी का मंदिर है, तो दो मंदिर है यहाँ पर। और सोचो इतना ऊपर आके है और ये यहाँ से ऐसा रास्ता है जाने का। वहाँ पर जो महादेव का मंदिर है वहाँ आज कुछ कुछ तो है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो इसलिए मैं वहाँ तो नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ बहुत लोग बैठे हुए हैं, तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा मैं उनको। बट मैं आपको बता देता हूँ कहाँ है, ये रहा ये जो सामने है, ये सामने जो दिख रहा है ये महादेव का मंदिर है। तो यहाँ से तो हम चलते हैं और ये जगह पे आने का रास्ता भी इतना अच्छा है, 11 से 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर आप पकड़ लो, वो जो रास्ता है वो बहुत ही प्यारा है, पूरे पहाड़ है, ग्रीनरी है, कोई ट्रैफिक नहीं है, रोड भी बहुत अच्छा है। बाकी मैं सिलवासा से आया तो सिलवासा से 66 किलोमीटर था, 66 किलोमीटर का जो रास्ता था उसमें 30 to 50 किलोमीटर के आसपास वो तो पूरा धर्मपुर और ये सब रूट आता है, तो वो रास्ता था और वो वन ऑफ द बिजीएस्ट रूट है, तो वहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत था, तो आने में टाइम तो लगता है बट रोड काफ़ी अच्छा है। तो अभी चलते हैं आगे, आगे घूमते हैं और देखते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ से व्यू अच्छा दिखता है,
एक दो स्पॉट तो मुझे यहाँ पास ही में दिखी है, वहां से देखता हूँ पहले, चलते हैं उधर। एक व्यू पॉइंट है यहाँ पे, ये देखो यहाँ से पूरा नीचे दिख रहा है, यहाँ से रोड भी दिख रहा है और नीचे पूरा। वहाँ कहीं पे बहुत बड़ा नदी भी है, वो नदी शायद आगे वहाँ कहीं से दिखेगा, वो वहाँ पर नदी है वहाँ पर, यहाँ से इतना क्लियर नहीं दिख रहा है बट आगे कहीं से देखेंगे वहाँ से दिखेगा। तो आगे चलते हैं और वो जगह ढूंढते हैं। और यहाँ पर बैठने के लिए इतनी सारी जगह बना के रखी है तो काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ पर आके बैठ भी सकते हो। ये देखो ये ऐसे छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं और बहुत सी जगह पे जहाँ पर से व्यू दिखेगा आपको अच्छा, वहाँ पर बेंच लगी हुई है तो आप वो बेंच पर बैठ के व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ये अच्छा है कि यहाँ पर किया है, और मुझे भी नहीं पता था कि पास में इतनी अच्छी जगह है। ये 3-4 साल पहले ये जगह मैंने किसी के फोटो में देखी थी बट मैं आ नहीं पाया था, बट इस बार मैंने सोचा कि चलो कुछ नई जगह पर जाते हैं, कुछ अच्छा ढूंढते हैं। वैसे तो मैं हर बार नई जगह पर ही जाता हूँ बट ये देखो ये यहाँ पर एक छोटा सा हट बना है, और ये यहाँ से जो मैं आपको तालाब की बात सॉरी जो नदी की बात कर रहा था वो यहाँ से दिखेगी, देखो अभी आपको क्लियर दिखेगी पूरी। वो देखो सामने पूरा नदी है, वो जो है पूरा नदी है, और इतनी प्यारी हवा चल रही है ना यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा व्यू है। मुझे भी नहीं पता था, मुझे लगा नहीं था कि ऐसा व्यू मिलेगा बट इतना अच्छा व्यू है, देखो आप भी। ये जो आपको सामने दिख रहा है इसमें लिखा हुआ है ये जगह एक हिस्टोरिक प्लेस है, अजमल गढ़ नाम है, और ये सह्याद्री माउंटेन रेंज है उसी में से एक है, और यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज वो लोग यहाँ पर, यहाँ से उन लोग यहाँ से जो उनका पहरा देते थे या जो भी करते थे वो यहाँ से करते थे, क्योंकि ये हाईएस्ट पीक है तो यहाँ से चारों तरफ दिखता था, तो यहाँ से वो लोग अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे बनाते थे। और ये जो यहाँ पर एक हनुमान जी का सॉरी महादेव का मंदिर है वो उस टाइम से ही है जब छत्रपति शिवाजी यहाँ पर थे, तब से वो यहाँ पर इनकी यहाँ पे पूजा करते थे। तो ये सब हिस्टोरिकल प्लेस है। और यहाँ पे आगे एक और पॉइंट है तो वहाँ पर भी जाते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ आप आओगे तो पहले आके यहाँ पे थोड़ा पढ़ो तो आपको पता चलेगा ये जगह के बारे में कि क्या है क्या नहीं है, वो अच्छा है यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो उससे पता तो चल जाता है क्या है। तो अभी यहाँ से आगे जाते हैं और देखते हैं जो 2-3 चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है कहाँ कहाँ पर है। ये यहाँ पर एक और पॉइंट है जहाँ से व्यू दिखता है, और ये यहाँ से ऐसा व्यू दिखता है, वो सामने नदी हो रही, और ये नदी की वजह से ब्लू दिख रहा है बट पता नहीं, आसमान देखो पूरा ब्लू दिख रहा है और नीचे पानी भी पूरा ब्लू दिख रहा है और पूरा ग्रीनरी है, तो काफ़ी अच्छा पॉइंट, काफ़ी अच्छा जगह है। मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा होगा, मैं तो बस ऐसे ही, मुझे बस संडे को आना था कहीं पे, कहीं जाके थोड़ा कुछ एक्सप्लोर करना था नई जगह। और ये पूरा ये सबसे हाईएस्ट पीक है पता है, यहाँ से मैंने चारों तरफ देख लिया तो ये यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे हाईएस्ट पीक है यहाँ पर, और आजू बाजू सब छोटे हैं तो मेन तो ये यहाँ पर ये पीक है। और ये पारसी मेमोरियल कुछ है
जो वहाँ पढ़ के मैं आपको बताता हूँ, ऐसे तो नहीं हो गए मच। तो प्लेसिंग वाज जी ईरान सा संजान उडवाड़ा, यहाँ पर कुछ मैप बना हुआ है, संजान टू उडवाड़ा वांझा फॉरेस्ट 14 अजमलगढ़। यहाँ से चारों तरफ से आपको अच्छा व्यू दिखेगा, और काफी अच्छा व्यू दिख रहा है क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट पीक है, और यहाँ से सब फिर उसके बाद सब छोटे छोटे पीक है, तो ये यहाँ से तो व्यू सबसे अच्छा यहाँ से ही दिख रहा है ये जगह से। और दो तीन और भी यहाँ से एक रास्ता, छोटे छोटे ऐसे रास्ते हैं जहाँ से इधर उधर जा सकते हैं, एक मुझे यहाँ पे दिखा है, तो मैं भी यहाँ पे देखता हूँ क्या दिखता है यहाँ से। देखो ये एक छोटा सा रास्ता जा तो रहा है यहाँ से, कुछ है तो नहीं, बट यहाँ पे बैठने के लिए लोगों ने बनाया और पूरा कचरा किया हुआ, पता नहीं लोगों को मजा क्या आता है, कचरा क्यों डाल के जाते हैं, लेके जाओ साथ में कैरी करके लेके आते हो तो लेके भी जा तो सकते ही है ना, साथ में पूरा कचरा करके रखा हुआ है। एक दो जगह है जहाँ पे पूरा, यहाँ पे डस्टबिन भी है, ऐसा नहीं है, सब जगह पे डस्टबिन रखे हुए, तो आप उसमें कचरा डाल सकते हो, बट सुधरने वाले नहीं है लोग, तो वो तो आपको मिलने ही वाला है, जहाँ पे लोग जाएंगे वहाँ कचरा तो रहता ही है, थोड़ा नहीं फेंके तो अच्छा है। आगे और भी एक दो जगह है, वो भी देखते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है ये, और बहुत शांति भी है, बहुत बहुत शांति है, और इतनी ठंडी हवा चल रही है, और आसमान भी आज देखो, आसमान भी ब्लू पूरा और इतना क्लियर दिख रहा है। और वहाँ क्या है, थोड़ा सा आप, वैसे मैं सोचा था सुबह जल्दी निकलने के लिए, बट ठंडी इतनी ज़्यादा थी, और आज तो पता नहीं मैं उस जोन में नहीं था कि आज कहीं निकलूँ, बट मेरी नींद खुली 6 बजे के आसपास, फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी उठ गए हैं, आज संडे है तो कहीं जाकर तो आते ही है, तो बस मैंने प्लान किया, और ये जगह दिमाग में थी यहाँ पर आना है, और आने का फ़ायदा भी हुआ, काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत पीसफुल जगह है, बहुत पीसफुल, और व्यू तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, और इतने पास में ही सिलवासा से 66 किलोमीटर है, और अगर आप धर्मपुर अभी आप यहाँ पे इजीली कैसे आ सकते हो, जैसे अगर आपको आप धर्मपुर तक आए, धर्मपुर तक आप कोई भी जगह से आ रहे हो, धर्मपुर आए, धर्मपुर से सिर्फ 30 किलोमीटर है, और बहुत ईजी रास्ता है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ डिफ़िकल्ट है, आपको ईजीली पता चल जाएगा, मैप में भी एकदम करेक्ट दिया हुआ है, तो आप इजीली पहुंच जाओगे, तो काफ़ी अच्छी जगह है, और मुझे नहीं पता था कि ऐसी ऐसी जब जगह रहती है, धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा है, क्योंकि अब जब मैं जाता हूँ तब मुझे पता चलता है कि हाँ ऐसी जब जगह है बहुत सारी है जो हमें पता नहीं रहती है, बट अगर आप एक्सप्लोर करोगे ढूंढोगे तो मिल जाएगी। तो अभी यहाँ पर और भी एक दो जगह है, वहाँ पर भी मैं जाऊँगा और देखता हूँ क्या क्या देखने मिलता है, क्या क्या नया कुछ जानने मिलता है, तो आप भी देखो आगे आगे अच्छा अच्छा प्लेसेस देखते हैं और भी थोड़ा। सो ये एक और पॉइंट है, ये जहाँ पर मंदिर है उसके थोड़ा सा आगे आप आओगे, तो थोड़ा सा आगे आके फिर वहाँ पर ये एक जगह है जहाँ पर भी थोड़ा पीक है यहाँ पर, और ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं ना, ये जो पत्थर जैसा दिख रहा है, ये बाउंड्री थी, बट ये सब विद टाइम ये सब सब टूट चुका है, तो ये यहाँ पर बाउंड्री होगी, पूरा पूरा चारों तरफ था वैसा बाउंड्री बना हुआ है वो, ताकि कोई वहाँ पर, ये यहाँ पर उनका एक पॉइंट था जहाँ से वो लोग सब देखते होंगे क्या है क्या नहीं है सब, तो इस वजह से यहाँ पर ये बाउंड्री बनी हुई, और देखो वो वहाँ पर सामने देखो, ये व्यू काफ़ी अच्छा है, ये देखो उस साइड तो पूरा खुला नीचे दिख रहा था, बट यहाँ पे दूसरे जो छोटे छोटे पहाड़ है
वो दिख रहे हैं, और अभी थोड़ा सा ओस बढ़ गई है, तो इस वजह से देखो सामने पूरा ये सह्याद्री रेंज है पूरा, तो ये सामने पूरा पहाड़ दिख रहा है, और वहाँ पर रास्ता है देखो, मैं वहाँ से आया था वो रास्ते से, ऐसे पहाड़ पहाड़ है तो वहाँ से रास्ते से आते हैं, तो मैं वहाँ से आया था, यहाँ से देखते हैं और भी कुछ दिखेगा। यहाँ से और क्लोज और काफी यहाँ से और भी ज्यादा अच्छा दिख रहा है, ये देखो। अभी हमारा जाने का टाइम हो गया है क्योंकि धूप भी बहुत बढ़ गई है, और रास्ते में भी धूप लगेगी, अभी ठंडी ऑलमोस्ट ख़त्म, ठंडी अभी लगेगी नहीं, जो लगेगी शाम को लगेगी, तो अभी तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा, दिन की तो शुरुआत हुई है, शुरुआत अच्छा रहा तो पूरा दिन भी अच्छा ही रहेगा, और काफ़ी अच्छी जगह है, तो आप लोग भी आओ यहाँ पर, नहीं समझ पड़ेगा तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और कोई नई जगह अगर आपको भी पता हो तो वो आप मुझे भी बता सकते हो, तो मैं वो जगह पर जाऊंगा, मुझे पसंद है नई जगह एक्सप्लोर करना, और ये जगह भी काफ़ी अच्छी रही क्योंकि आज वेदर भी काफ़ी अच्छा था, और यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और अभी तक यहाँ पर फॉग है आसपास, तो उस वजह से व्यू काफ़ी और भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, तो अभी जाने का टाइम हो गया है तो अभी यहाँ से चलते हैं, और जल्दी ही मिलते हैं, और आप लोग बताओ कैसा लगता है आपको व्लॉग, कुछ रिव्यूज़ अपने शेयर कर सकते हो, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में कोई न्यू प्लेस पे, मैं ढूंढ ही रहा हूँ कोई अच्छी जगह, तो अभी देखते हैं कोई अच्छी जगह मिलेगी तो वहाँ पर जाऊँगा और आपको भी बताऊँगा, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और जल्दी ही मिलेंगे हमारे किसी न्यू प्लेस पे, तो बाय बाय।